Can't know when the whistle go. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गीतांशु और एक बार फिर आया हूं आपके पास अपनी वीडियो लेकर। दोस्तों, आज के हमारी वीडियो का टाइटल है कि स्मार्टफोन को क्यों करें रूट। दोस्तों, आप तो सब जानते होंगे रूटिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्यों रूट फ़ोन को रूट करना चाहिए। अगर नहीं जानते तो ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरी बताने वाला हूँ और ये बताऊँगा कि कैसे करें आप अपने फ़ोन को रूट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रूटिंग है क्या। रूटिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से यूज़र को एंड्रॉयड फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाता है। इसकी मदद से यूज़र ना सिर्फ फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फीचर्स को, बल्कि इसकी मदद से पूरे फ़ोन को, पुराने फ़ोन के परफॉर्मेंस को भी बेहतर किया जा सकता है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम तक आम यूज़र की पहुंच आसान नहीं है। ये यूज़र रूटिंग के तरीके नहीं जानते तो फिर फ़ोन डैमेज भी हो सकता है या फिर आग भी लग सकती है। तो दोस्तों, इसलिए जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें प्लीज़। सबसे पहले बताता हूँ फ़ोन क्या है, ये क्या है फ़ोन रूट। फ़ोन रूट को जेल ब्रेकिंग भी कहा जाता है। इसके माध्यम से फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं बदलाव कर सकते हैं, यानी आप चाहे तो फ़ोन के लॉक सिस्टम से अंदर लेकर अंदर मेन्यू और यूज़र इंटरफेस तक के बदलाव कर सकते हैं। मतलब अब मैं बताता हूँ आगे, हटा सकते हैं बटरवेयर। फ़ोन को रूट करने का फ़ायदा यह है कि यूज़र अपने स्मार्टफोन से मैं पहले से ही प्री इंस्टॉल ऐप, जिसे आप नॉर्मल तरीके से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, उसे रूटिंग के जरिए आसानी से हटा सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि बिना काम के ऐप फ़ोन से ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे, इससे फ़ोन का परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि फ़ोन में स्पेस कम हो या बिना काम के ऐप ज़्यादा हो तो फ़ोन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इंस्टॉल करें नॉन कॉम्प्लीमेंटल ऐप्स। हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐप भी होते हैं जो इस पर भी स्पेशल फंक्शंस की पाबंदी लगा देते हैं। रूटिंग के जरिए सभी रेस्ट्रिक्शन को वापस करते हुए आप एंड्रॉयड के लिए डेवलप किए गए ऐप्स को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से रूट एप्लीकेशन भी आते हैं जो यूज़र को एप्लीकेशन जो मतलब एंड्रॉइड फ़ोन को जो है बहुत अच्छा बना देते हैं। क्या है फास्ट अपडेट। स्मार्टफोन के मतलब पब्लिक ये जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अपडेट मांगते हैं। फ़ोन के नए नए वर्जन आते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर ही है ये फास्ट अपडेट। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर सॉफ्टवेयर को पब्लिक के लिए रिलीज़ करने से पहले उसे टेस्ट करते हैं। इसके ऑपरेशन सिस्टम का रोम अपडेट उपलब्ध होता है। जो लोग अपने फ़ोन का रूट करते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे कंपनी को रजिस्टर करते हैं कि और क्या इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए रूट यूज़र्स को फ़ायदा होता है और उसे अपडेट मिल जाते हैं जो आम लोगों को जिन्होंने रूट नहीं किया होता दोस्तों उन्हें नहीं मिलते। कस्टम रोम। बहुत सारे लोग फ़ोन से कस्टम रोम इस्तेमाल करने के लिए रूट करते हैं, जैसे साइन ऑन मोड रोम। बहुत सारे रोम ऐसे होते हैं, साथ ही ज़्यादा अपडेट सॉफ्टवेयर वर्जन भी मिलता है। बाजार में अलग अलग परफॉर्मेंस और लुक्स के साथ कस्टम रोम भी उपलब्ध होती है। यूज़र अपनी पसंद और फीचर के हिसाब से रोम चुन सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम रोम तकरीबन सभी एंड्रॉइड फ़ोन और टैबलेट्स के लिए उपलब्ध है। जिन्होंने रूट कर लिया वो सिर्फ वही इसे यूज़ कर सकते हैं। फुल बैकअप। इसमें जो आप अगर रूट कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि पूरा बैकअप उड़ जाएगा, मतलब जो आपके फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है डाटा उड़ जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका फुल बैकअप मिलता है, फुल बैकअप हमें प्रोवाइड कराया जाता है। बस एक सिंगल क्लिक की देरी होती है इसमें ही, जो रूटिंग के ऐप होते हैं उन पर मिल जाता है दोस्तों। बहुत ही इसके मतलब अभी तक मैंने इसके फ़ायदे बताए हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें प्रोफेशनल नहीं है तो आप किसी और से इसके रूटिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों बताता हूँ, अगर अपने आप प्रोफेशनल नहीं है, अगर आपसे गलत रूटिंग हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो दोस्तों वारंटी के साथ, मतलब आप जैसा कई सारे ऐप्स होते हैं वो वारंटी देते हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस को रूट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वारंटी के से हाथ धो बैठेंगे। हालांकि कुछ कंपनियां रूट करने के बाद भी वारंटी देती हैं, लेकिन अधिकतर कंपनी ऐसा नहीं करती। वो सोचते हैं कि इससे डैमेज ज़्यादा होगा, फ़ोन हो सकता है ख़राब। रूटिंग के दौरान एक गलत स्पेस फ़ोन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसलिए रूटिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। परफॉर्मेंस पर असर। यूज़र अपने फ़ोन को
ये भी रूट कर दें ताकि फ़ोन का परफॉर्मेंस बढ़ जाए। हालांकि अधिकतर यूज़र रूट के बारे में नहीं जानते, इसलिए एक गलत स्पेस फ़ोन के परफॉर्मेंस को रोल भी कर सकते हैं। डिवाइस को रूट करने या ना करने की इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने फ़ोन में क्या चाहते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो फिर रूट का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आप अगर फ़ोन को रूट करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आपको इससे बचना चाहिए। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ फ़ोन को रूट कैसे करें। स्मार्टफोन को रूट करने के लिए आपको एक वेबसाइट है, मैं बताता हूँ, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उससे पीसी में एक ऐप डाउनलोड होगा, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें वेबसाइट का भी नाम बताता हूँ, www.king, स्पेलिंग बता देता हूँ, kingopp.com androidrootdownload.htm। ठीक है दोस्तों, इसे आपने पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए, आपको पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। पीसी में इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो ये फ़ोन से कनेक्ट होना मानेगा, तो इसे प्लीज़ कनेक्ट कर दीजिए। फ़ोन को कनेक्ट करने के पास साथ ये सुनिश्चित कर लेगा कि फ़ोन में यूएसबी डेविंग का ऑप्शन और ऑन होना चाहिए। ऑन मतलब यूएसबी से कुछ भी कनेक्ट करें तो वो ऑन होना चाहिए। आप ये देख लीजिए, यूएसबी डेविंग के लिए पहले सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन पर जाकर यूएसबी डेविंग में जाइए। यहाँ याद रखें कि अगर आपका फ़ोन ज़्यादा पुराना है तो डेवलपर विकल्प सेटिंग में एप्लीकेशन के अंदर उपलब्ध होगा। डेवलपर विकल्प ना मिलने पर फ़ोन की सेटिंग में अबाउट फ़ोन में जाएं। इधर आपको बिल्ट नंबर दिखाई देगा, उसे थोड़ी देर दबाएं। थोड़ी देर तक प्रेस रखने के बाद अपना सिस्टम देखिए तो अपने आप ही वो डेवलपर विकल्प पहले से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद बाहर सेटिंग में जाएं, यहाँ डेवलपर विकल्प उपलब्ध होगा, इस पर टैप करें। अब आपका फ़ोन डबिंग का ऑपरेशन दिखाएगा, उसे ऑन करें। इसके बाद फ़ोन यूएसबी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए आप उसे अपने फ़ोन से इंस्टॉल करने की परमिशन दे दें। इंस्टॉल होने के बाद साथ ही रूट का ऑपरेशन फ़ोन में दिखेगा, इस पर क्लिक करें, फ़ोन रूट होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे की जानकारी को पढ़कर पूरे प्रोसेस को फॉलो करें। जैसे ही रूटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी आपका फ़ोन फिनिश लिखा आ जाएगा। रूटिंग ऐप्स, दोस्तों रूटिंग डिवाइस को रूट करने के आपके फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप फ़ोन को रूट करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत सारे ऐप भी हैं, तो मैं बता देता हूँ कुछ नाम। या आप पीसी में इसके द्वारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने आप जो एंड्रॉयड है उसमें भी आप ये कर सकते हैं अपने फ़ोन में, लेकिन ये ज़्यादा रिस्क है, तो वो पुराना वाला तरीका अच्छा है। तो मैं अभी कुछ नाम बताता हूँ। तो दोस्तों बिट रूट, बेबिक रूट का है, और टाइम बैकअप आदि जैसे ऐप्स की मदद ले सकते हैं, और ऐप्स जेरूमी रूट ऐप्स है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये सब करते हैं और रूटिंग देते हैं, जो आपको बैकअप भी फुल प्रोवाइड करवाएंगे, और भी अच्छी चीज़ें बहुत सारी आपको बैकअप के द्वारा आपका डाटा ही बचा लेंगे। दोस्तों रूटिंग के फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से रूटिंग नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इससे रूटिंग को मत करिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दे दें, और आपका मन हो आप वैसे ही बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। तो दोस्तों थैंक यू, आपने मेरी वीडियो यहाँ पर देखी, और प्लीज़ शेयर कर दें, आपको रूटिंग के फ़ायदा।